ओम शांति। आज की तारीख है 24/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा। कल्प के 5000 वर्ष के पश्चात जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि करने का समय आता है, जिसे संगम युग कहते हैं, तो परमपिता परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों को आकर के सारी स्मृतियां दिलाते हैं। हम परम धाम से इस सृष्टि पर आए और अब जब घर वापस जाना है तो पूरे 5000 वर्ष की स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। ये अंतिम जन्म है सभी का। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। जाएंगे घर, फिर वापस आएंगे। प्रश्न है कि बाप यानी परमपिता परमात्मा पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर है, जो अभी शाहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं, तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो, क्योंकि वो कहते हमें फुर्सत नहीं। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते, इसीलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। प्रश्न दूसरा भी है, बच्चों में कौन सी सुस्ती यानी आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, सभी को राजी करना है, मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है। अभी मेरा मूड अच्छा है, अभी नहीं है, अभी बस मैं अलग टाइप से हूँ, नहीं। बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने हैं और सिखलाने हैं। नंबर 2, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्री मत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है। वरदान सतगुरु शिव पिता का, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह करके देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नींदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल हम फिर से देवता बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन है, जो सदा
योग युक्त हैं, उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।